मित्रों, भारतीय जनता पार्टी आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के साथ शासन में आ रहती। हमारा संकल्प, आतंकवाद फैलाने वाला कोई भी हो, कोई भी मजहब का हो, कोई भी जाति का हो, आतंकवाद को इस देश और दुनिया से मूल समेत उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। अभी अभी बहन प्रियंका का मैं इंटरव्यू देखकर आया, उनको पूछा कि टेररिज्म के लिए आपका क्या मानना है, इन्होंने कहा कि ऐसी फिजूल बातों के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। माताओं, भाइयों, बहनों, आप एक बात का निर्णय कर लो, एक और कांग्रेस की नेत्री प्रियंका गांधी कहती है टेररिज्म फिजूल बात है, इस पर रोक लगाना फिजूल बात है, दूसरी ओर उनके नेता सलमान खुर्शीद कहते थे अहमदाबाद के बम धमाकों में सिमी के लोग जो पकड़े गए वो बेगुनाह है, उनको छोड़ देना चाहिए, उनकी पैरवी भी करी एक और एक कांग्रेस पार्टी है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी जब सत्ता में आए अखिलेश बाबू, संकट मोचन मंदिर पर हमला हुआ था, बम धमाका हुआ था, कई निर्दोष लोग मारे गए, लखनऊ में बम धमाका हुआ था, इस सारों को छोड़ने का उन्होंने घोषणा पत्र में वादा किया था। मित्रों, घोषणा पत्र ने ये तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दखल कर दी तो रुक गया, वरना सारे आतंकवादी मुक्त हो जाएंगे। माताओं, भाइयों, बहनों, वोट की लालच में जो देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हैं, ऐसे लोगों को वोट देना चाहिए क्या? जोर से बोलो, देना चाहिए क्या? और जोर से बोलो, देना चाहिए क्या? भाइयों, बहनों, एक कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने मिलकर इस देश में आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई है उसको निर्बल करने का प्रण लिया है।